और इस वक्त एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से। यहाँ केरी इलाके में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। आज सुबह आतंकी LOC के 400 मीटर अंदर घुस आए और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी हमले में एक आतंकी को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 और मैगजीन बरामद की गई है। वहीं इलाके में तलाशी अभियान जारी है। संवाददाता पवन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, LOC पर आतंकियों ने फायरिंग की और अभी की ताजा स्थिति में किस तरह से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, ये एक घुसपैठ की बड़ी कोशिश थी आतंकियों की। लगभग 4 से 5 आतंकियों का दल था जो राजौरी के केरी सेक्टर में LOC के पास सेना के जवानों के साथ सुबह जब मुठभेड़ हुई, लगभग 400 मीटर के करीब ये आतंकी पहुंच चुके थे और वहां पर दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई तो एक आतंकी घुसपैठिए को वहीं पर मार गिराया गया, जबकि बाकी के जो आतंकी थे वो अंधेरे का लाभ उठाकर वापस भागने पर मजबूर हुए। मारे गए आतंकी जो घुसपैठिया था उसे हथियार भी बरामद हुए हैं और पूरे इलाके में एक व्यापक ऑपरेशन सेना की ओर से LOC पर शुरू किया गया। जी शुक्रिया आपका। तो राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। वहीं सोपोर में CRPF जवानों का एक बच्चे को बचाने की तस्वीरों के सामने आने की बात आई है। आतंकियों की फायरिंग के बीच CRPF के जवानों ने 3 साल के इस बच्चे को रेस्क्यू किया और फायरिंग वाली जगह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। CRPF जवानों ने किस तरह से 3 साल के बच्चे को बचाया उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मासूम बच्चा जिसको CRPF जवानों ने रेस्क्यू किया।